चुनावी मौसम है, बहुत सारे प्रत्याशी अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, क्या है क्षेत्र की समस्या और क्या मिजाज है आप लोगों? देखिए, ये बनगांव नगर पंचायत की चुनाव है। हम लोग पहली बार पंचायती राज से नगर पंचायत में आए हैं। समस्या हम लोगों को अंबार लगा हुआ है, सड़क पे पानी जमाव का समस्या, गंदगी का समस्या, शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, बंदर और जंगली जानवर से त्राहिमाम का समस्या, जिधर भी देखते हैं समस्या ही समस्या नजर आ रही है। जैसे लगता है इससे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि बनगांव पंचायत में, जब पंचायती राज था, उसमें कुछ काम ही ना हुआ हो। आप बनगांव के किसी भी मुख्य मार्ग से बिना पानी या बिना नाली के पानी में पैर दिए हुए गाँव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए हम बनगांव हैं, मगर यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक भी जनप्रतिनिधि आज तक ना स्कूल में कोई मुआयना किए हैं, ना ही शिक्षा क्षेत्र में सुनिए यहाँ पे काम हो रहा है। जिस बनगांव में आईएएस आईपीएस की ढेर लगा करती थी, विगत 15-20 वर्षों से यहाँ पे शून्य जा रहा है। दूसरी बात, हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य देखिए, दो दो स्वास्थ्य केंद्र है, एक में भी एक डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ना ही नर्स काम करती है। इससे पहले हम लोग ने एक आंदोलन किया था बनगांव में, पीएससी में भूसा भरा हुआ था, भूसा आंदोलन। उससे भी हमारे जो यहाँ के सीएस महोदय थे, जो प्रभारी महोदय थे, हम लोग को बोले थे अब डॉक्टर नियमित बैठेगा, मगर वो भी सुनिए है नगण्यता है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग की जो जनप्रतिनिधि है वो साफ चूड़ी पहन पहन के अपने घर में बैठे हुए थे, और आने वाले समय जो है, अभी जो हम लोग चुनावी माहौल चुनावी पर्व में घुसे हुए हैं, इसमें अगर हम लोग युवा मतलब युवा चेहरा को आगे नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को समस्या का अंबार ही लगा रहेगा। क्या नाम हुआ? अंशु कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, निवर्तमान जिलाध्यक्ष सहरसा। जो करे हमारे आशीर्वाद मिलेगी, नहीं करेगा तो हमारे लोग को तो देखने करते सारे दुनिया चला गया, न कुछ करता है न धरता है, अपना चले जाता है। ये ना बंदर का करता है न कुत्ते करता है, खाली कह के चले जाता है, और क्या कहे। आपके क्षेत्र में किस किस तरह की समस्या है? हर चीज की समस्या है जी, खेती का देखिए, पानी दुनिया है, कुछ नहीं है, बंदर यहाँ वहां जो करता है वो भी खा जाता है, हर चीज की तकलीफ पे। क्या चाह रहे हैं आप? आपका क्या सोच है, कैसा होना चाहिए आपका क्षेत्र? हमारा सोच ये है कि कोई आदमी एहन हो कि हम फूस हो जाए, करबे नहीं करेगा तो कहाँ से फूस होंगे। अब ये खराब हो गया, हम तो सोचा बढ़िया आदमी है, नहीं करेगा तो फिर हम क्या सोचेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मणिकांत मिश्रा। कौन नगर पंचायत है? ये 6 नंबर नगर पंचायत। नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर के अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत बनगांव में। बहुत सारे प्रत्याशी विभिन्न पद के लिए अपना नॉमिनेशन दे दिए हैं। पहले चरण का नॉमिनेशन का भी जो आखिरी दिन था वो भी समाप्त हो चुका है। अब प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपना उद्देश्य लोगों को बता रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत बनगांव में, जहां उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी रूपेश कुमार हैं, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है। युवा हैं और समाज के लिए पिछले वर्षों में इन्होंने काफ़ी कुछ किया है विभिन्न क्षेत्रों में। ये एक बार चुनावी मैदान में आए हैं, चाहते हैं कि अपने पद से जनता इन्हें आशीर्वाद दे, इन्हें पद पे जिताए और ये क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। हम सीधे जुड़ते हैं रूपेश कुमार से और जानते हैं क्या इनका एजेंडा रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा। सबसे पहले स्वागत है रूपेश जी आपका, और पहले जनता को अपना आप परिचय दें। धन्यवाद। पहले नगर पंचायत बनगांव के जितने भी मतदातागण हैं, हमारे अभिभावक, हमारे दोस्त, हमारे छोटे, सभी को मेरा प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से माहौल बना है नगर पंचायत चुनाव का, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर हो सके अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए सब कुछ बेटर करें, क्योंकि जगह जगह काफ़ी समस्याएं हैं जो अभी, जिस समस्या से अभी हम अवगत नहीं हुए हैं,
चूँकि अवगत होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ऐसी समस्या हो हम पूरा उसका पूरा निष्कर्ष निकालते हुए आगे अपना काम करते रहे। अगर हमारे अभिभावक हमारे गार्जियन सबका सपोर्ट रहा तो ये समस्या भी दूर होगा, बहुत बढ़िया से दूर होगा। चूँकि आजकल जो हम देख रहे हैं जगह जगह कहीं गड्ढे हैं, कहीं कूड़ा कचरा, कहीं पानी जमा हुआ रहता है, कहीं नाला टूटा है, कहीं रोड टूटा है, जहाँ जाने में परेशानी होती है, कहीं कहीं ऐसा मोहल्ला है जहाँ आदमी खाली पैर नहीं चल सकता है, इतना गंदा रहता है, पानी रहता है। हम कोशिश करेंगे सब अच्छी दूर हो और हमारा नगर पंचायत बहुत ही बढ़िया सुसज्जित तरह से दिखे, ताकि दूसरे को लगे जो हाँ हम नगर पंचायत बनगांव में कुछ काम हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी हम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, काफ़ी जगह के युवा जिसको कि हम स्पोर्ट्स के लाइन में हो, डिफेंस के लाइन में हो, पढ़ाई के लाइन में हो, हर एक जगह से जोड़ते थे। जहां तक हुआ जैसे मान के चलिए गेम है, गेम में भी हम अपने गांव के बच्चे को गांव लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ तक कि नेशनल लेवल तक हम पहुँचाए हैं और आगे भी ऐसा होते रहेगा। और सबसे बड़ी बात है इस सब के लिए सबसे पहले हमारे गार्जियन अभिभावक जब तक हमको सपोर्ट करते रहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। अजय रूपेश जी, हमारा इसमें सवाल है कि जब चुनावी मौसम आता है तो बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं चुनावी मैदान में, वादा करते हैं, तो क्या आप जो चुनाव आप लड़ रहे हैं आपका क्या एजेंडा होगा, क्या रोड मैप होगा और कितना आप उस पर उतर पाइएगा? मेरे ख्याल से इससे पहले तो हम चुनाव नहीं लड़े हैं, हालांकि सामाजिक कार्य में एनी टाइम तत्पर रहते थे 24 घंटा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हम सामाजिक कार्य से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि चुनाव में पहली बार एंट्री किए हैं तो कुछ अनुभव कम है, तो अनुभव पूर्ण होगी हमारे गार्जियन के थ्रू, हमारे सहयोगी के थ्रू, हमारे जितने भी अच्छी है उसके थ्रू, तो ये सब समस्या दूर होगी। हालांकि जैसे अभी हम कहीं कहीं हम घूमते हैं, हम क्षेत्र घूमते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं समस्या बहुत सारी रहती है, जो कि कोई बताते हैं जो सब आता है वोट लेके चल जाता है, बात फिर भूल जाता है जो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन हम आप सबको दिलासा देते हैं कि अब से इस बार से ऐसा नहीं होगा, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। हम खुद अच्छी है जो पूरा हम चाहेंगे कि नगर परिषद को अपना चमकाए हुए रखे, साफ सुथरा रखे, जहाँ कहीं कोई समस्या हो एनी टाइम तन मन धन लगा के उस समस्या का निष्कर्ष निकाले, ताकि आदमी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। हालांकि जहाँ तक जैसे हमारे गांव में अभी भी इतना अच्छी है जो कि कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, कोई किसी का तबीयत बिगड़ जाता है, कोई अच्छी हो जाता है तो एम्बुलेंस की सुविधा, बाद में कर है फर्स्ट ट्रीटमेंट कैसे हो, इस सब के लिए भी देखते हैं जो हमारे गांव के लोग भुगते रहते हैं। तो इस सब का निष्कर्ष हम जरूर निकालेंगे। और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोग को हम पे भरोसा है तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम एनी टाइम आप लोगों के सेवा में एनी टाइम तत्पर रहेंगे 24 घंटा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये हम अच्छी करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रूपेश कुमार कामत हुआ, बनगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 7, और हम अभी बनगांव नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद यानी कि उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन डाले हैं, और हम आप लोग का आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको आप लोग अथी कीजिए ताकि हम अपने समाज अपने अथी के लिए कुछ कर सकें। ये युवा चेहरा थे जो नगर पंचायत बनगांव से उप मुख्य पार्षद के पद से अपना नॉमिनेशन दिए हैं और लोगों से आशीर्वाद अपना प्यार मांग रहे हैं। लेकिन अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस नगर पंचायत की जनता जो है उप बतौर उप मुख्य पार्षद किसे देखना पसंद करती है और अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।